हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की एक नई वैकेंसी के ऊपर। दोस्तों जिस भर्ती का लाखों स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना, आखिरकार वो वैकेंसी आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है और एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड हम आपको ए टू जेड जानकारी देंगे। अगर दोस्तों आपका फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन स्वतः ही आप लोगों के सामने पहुंचता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखिए दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई नया भर्ती जारी 2024। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल पद, यहां पर देखिए कांस्टेबल के टोटल पद 4208 पद पर यह वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। फॉर्म अप्लाई 15 अप्रैल से 14 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इस डेट से पहले आपको फॉर्म को भर देना है। पहले दोस्तों क्या होता था, रेलवे में जो भी वैकेंसी निकलती थी वो जोन वाइज निकलती थी। अब दोस्तों यहां पर पूरी नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जोन वाइज नहीं दिया गया है। कल से पता चलेगा जब फॉर्म अप्लाई होंगे तो दोस्तों वहीं से पता चलेगा कि इसमें जोन वाइज किस तरीके से फॉर्म को भरना है। तो जोन वाइज नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं दिया गया है दोस्तों। अब यहां पर फॉर्म फीस की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर देखिए ₹500 फीस लगेगी। अगर दोस्तों आप अदर कैंडिडेट हैं एससी एसटी तो आप यहां पर ₹250 फीस लगेगी। दोस्तों जब आप इसमें फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने जाते हैं तो दोस्तों आपकी यहां पर आप अपना जो अकाउंट नंबर लगाते हैं उसमें ₹390 आपकी फीस रिफंड हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपना ही अकाउंट इसमें लगवाना है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो उन्हें ये पता ही नहीं होता है, वो कोई दूसरा अकाउंट लगवा देते हैं और उनका पैसा साइबर कैफे वाले के अकाउंट में चला जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान से अपना ही अकाउंट इसमें लगवाना है। अब यहाँ पर फॉर्म में अगर दोस्तों कोई भी गलती कर देते हैं तो आपको यहाँ पर गलती सुधारने का भी मौका दिया जाएगा। 15 मई से 24 मई तक आप कोई जैसे स्पेलिंग में नाम में मिसमैच कर देते हैं पिता के नाम में डेट ऑफ बर्थ में, तो वो आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी टाइम दिया जाता है। अब एज लिमिट की बात करें तो एज जो आपकी काउंट की जाएगी ना वो दोस्तों 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। और अगर दोस्तों आप ओबीसी हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की और छूट मिल जाएगी, यानी 18 से 31। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। आप काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि डेट ऑफ बर्थ से उनके मन में कन्फ्यूजन है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर दोस्तों आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ओबीसी से हैं तो 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी जन्म तिथि है, आप फॉर्म को भर। अगर दोस्तों आप एससी एसटी हैं तो 2 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका जन्म तिथि है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता 10वीं पास, ग्रेजुएशन। तो देखिए दोस्तों रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की दोनों की वैकेंसी एक साथ निकाली गई हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, वो देखिए दोस्तों 15/4 से और 14/5 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सैलरी की बात करें तो ₹21,700 सैलरी रहेगी और यहाँ पर एज 18 से 28 साल और यहाँ पर टोटल पोस्ट 4208 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका पूरा नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों आरपीएफ एसआई का भी आप यहाँ पर देख लीजिए नोटिफिकेशन, ये दोस्तों देखिए सेम है सब कुछ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एसआई में यहाँ पर पोस्ट कम है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं 452 पोस्ट पर ये वैकेंसी है और यहाँ पर सैलरी ₹35,400 सैलरी आपकी रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये एसआई की वैकेंसी है। आप इसका पूरा नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर। अगर दोस्तों आपने सिंपल 10वीं पास कर रखा है तो आप यहाँ पर देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म भरिए। अगर दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एसआई में फॉर्म भरिए, उसमें वैकेंसी थोड़ी कम है, उसका सिलेबस थोड़ा बिल्कुल मिलता जुलता होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन दोस्तों उसमें ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तभी आप एसआई में फॉर्म भर सकते हैं। और कांस्टेबल के लिए सिंपल आपने 10वीं पास किया है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कैटेगरीज वाइज वैकेंसी यहाँ पर लिख रखी है हमने दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ पर मेल की देखिए 1450 पोस्ट और फीमेल के लिए 256, ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए
357 पोस्ट और फीमेल के लिए 63, ओबीसी वालों के लिए 966 पोस्ट मेल की और 170 पोस्ट फीमेल की, एससी की देखिए 536 पोस्ट मेल की और फीमेल की 95, और एसटी की देखिए 268 पोस्ट मेल की और 47 पोस्ट यहाँ पर फीमेल की, ये कैटेगरी वाइज पोस्ट हुई हो गई दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये दोस्तों आपका सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के 90 मिनट का यहाँ पर समय मिलेगा। और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3, अगर आप दोस्तों तीन गलती आप करते हैं तो आपका यहाँ पर एक नंबर माइनस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लीजिए। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन, जीके एंड जीएस से 50 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन और यहाँ पर 90 मिनट का यहाँ पर समय मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हाइट चेस्ट रनिंग क्या कितनी मांगी गई है वो भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों हाइट की बात करें तो 1.6 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की, फीमेल की यहाँ पर 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, फीमेल का यहाँ पर कोई चेस्ट नहीं मांगा गया है। रनिंग की बात करें तो रनिंग दोस्तों यहाँ पर थोड़ी हार्ड है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे भी आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। 1600 मीटर रनिंग 5:45 में, यहाँ पर रनिंग थोड़ी हाई होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है। अब यहाँ पर फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग 3:45 में। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए देखिए दोस्तों 3 फीट। लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट मेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए 9 फीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दोस्तों आरपीएफ की सैलरी कितनी होती है। सैलरी यहाँ पर 21,700 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, ये दोस्तों इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो दोस्तों अगर आपका अब भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।